धरने पर बैठे हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रही लखीमपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू धरने पर बैठ गए हैं और पत्रकार अमन कश्यप के घर पर धरने पर बैठे न्याय की मांग कर रहे हैं और निघासन में धरने पर बैठे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दें, यहां पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और सिद्धू भी लखीमपुर पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की है और पत्रकार रमन के घर पर पहुंचे हैं सिद्धू और यहां पर धरने पर बैठ गए और निघासन में धरने पर नवजोत सिंह सिद्धू बैठे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ये धरना उनका शुरू हो गया है। तो लखीमपुर की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी यहां पर पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंचे थे। उसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लखीमपुर पहुंच करके और उसके बाद बहराइच जाकर के पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की थी। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखीमपुर की ही ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, किसानों के परिवार वालों से मुलाकात की और उसके बाद पत्रकार रमन कश्यप के परिवार वालों से भी मुलाकात उन्होंने की है और उनके घर पर धरने पर बैठ गए हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे लखीमपुर की तस्वीरें, ऐसा पूरे मामले को लेकर के विपक्ष द्वारा राजनीति लगातार जारी है और तस्वीरें लखीमपुर से हैं जहां पर पत्रकार के घर पर धरने पर बैठ गए नवजोत सिंह सिद्धू। शारिक हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शारिक, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। सिद्धू के साथ और कौन कौन से नेता हैं जो धरने पर बैठे हैं और क्या कुछ मांग इनके द्वारा की गई है? देखिए, आज पंजाब कांग्रेस के नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू, ये किसानों से मिलने के लिए आए थे जो उस बवाल में मारे गए थे। अब जब बलिया से वो निकले नवप्रीत के परिवार से मिलने के बाद, तो पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे थे और वहां पर मुलाकात कर रहे थे। इसके बाद जिस तरह से उनको जानकारी मिली कि जहां पर जो दो नोटिसें दी गई हैं जय मिश्रा मोनू को, तो इस बात से वो काफी नाराज दिखे और अब उनका ये कहना है कि जो आशीष मिश्रा मोनू केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। और फिलहाल वो रमन कश्यप पत्रकार के घर पर निघासन में धरने पर बैठे हुए हैं। मनीष, बिल्कुल नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लखीमपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे हैं और पत्रकार के घर पर मौजूद हैं नवजोत सिंह सिद्धू और उनका धरना यहां पर शुरू हो गया। उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा